हेलो एवरीवन, मैं उपासना। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बटर नान की रेसिपी। घर पर बनाएंगे हम, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा बढ़िया, एकदम जल्दी से ही बनकर तैयार हो जाएंगे और एकदम सॉफ्ट। पहले से कुछ बहुत समय के लिए हमें आटा वगैरह लगा कर नहीं रखना पड़ेगा, 15 मिनट में बस सारी तैयारी करके बनाना शुरू कर देंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बटर नान बनाने के लिए डोई तैयार कर लेते हैं, क्योंकि उसमें तो डोई चाहिए होगा। ये यहाँ पर मैंने एक छोटी सी परात ले ली, एकदम छोटी सी। ये यहाँ पर दोस्तों मैं 1 कप आटा ले रही हूँ, घर वाला ही पिसा हुआ आटा है, एकदम नॉर्मल। आप चाहें तो पूरे आटे का भी यूज कर सकते हैं, पर मैं इसमें थोड़ा सा मैदा का भी यूज करूँगी। 1/2 कप मैदा लूँगी, 1 कप आटा लूँगी। ये यहाँ पर मैं 1/2 कप मैदा ले रही हूँ। ये मेरे पास 1/4 कप वाला मेजरिंग कप है। और हाँ दोस्तों, आप चाहें तो दोनों की क्वान्टिटी सेम रख सकते हैं, बराबर बराबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और चाहे तो बिल्कुल आटे का ही भी बना सकते हैं इसको। बस इस तरह से छान लेते हैं। छानने से क्या है, इंप्योरिटी वगैरह भी निकल जाती है और थोड़ा लाइट सा भी हो जाता है। अब हम इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। ये यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो ज़रूर से डालिए, नहीं तो 1-10 रुपये का सैसे आ जाता है, वो डाल दीजिए। इससे डालने से क्या है, बहुत ज़्यादा सुपर सॉफ्ट बनेंगे ये। यहाँ पर 1 टीस्पून पीसी चीनी, ये यहाँ पर 1 टीस्पून सेंधा नमक डाल रही हूँ मैं ज़्यादातर ऐसी चीज़ों में सेंधा नमक का यूज करती हूँ। जिसमें दही वगैरह यूज करती हूँ, आप कोई भी नमक यूज कर सकते हैं। बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे इस तरह से। ये यहाँ पर 1.5 टीस्पून इनो डाल रही हूँ मैं, या आप 1 पाउच डाल दीजिए, वो जो 6 ग्राम का आता है। बस इतनी लगभग डालेंगे हम, 1.5 से भी थोड़ा सा कम ही डाली है मैंने। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पे घी भी डाल सकते हैं। बस देखिए पूरा 2 टेबल स्पून है, इसको भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये यहाँ पर मैंने दूध लिया है दोस्तों, थोड़ा सा गुनगुने से भी थोड़ा ज़्यादा गर्म है। थोड़े से गर्म दूध से गूनने से क्या है, ये एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होगा और जल्दी से थोड़ा फर्मेंट हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा 1/2 कप से कम दूध का यूज किया है। यहाँ पर 1/2 कप दही डाल रही हूँ मैं। अगर दही आपकी खट्टी भी है तो भी चलेगी, कोई बात नहीं। एकदम सॉफ्ट सा आटा तैयार करेंगे हम इसका, एकदम चिपचिपा सा। और आपको अभी लग रहा होगा कि ये आटा एकदम गीला है, पर इसको 8 से 10 बार पटकेंगे तो एकदम बढ़िया हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर आपको हाथ को ज़्यादा चिपके तो आप हाथ को ग्रीस कर सकते हैं। बस हल्का सा इस तरह से हाथ को कर लें ग्रीस, इससे क्या है ये छुट भी जाएगा हाथ से और बढ़िया हो जाएगा एकदम। फिर बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं रहेगा जब 8-10 बार आप इसको इस तरह से ज़ोर ज़ोर से पटक लेंगे। देखिए दोस्तों आ गया रहा है, एकदम आटे के टाइप हो गया बिल्कुल, अब तो नहीं चिपक रहा है। बस इसी तरह का तैयार करिए, एकदम सॉफ्ट, जिस तरह से हम भटूरे का आटा लगा कर तैयार करते हैं, और थोड़ा सॉफ्ट रखिए रोटी से इस तरह से। बस चाहें तो आप इस पे सूखी मैदा लगा सकते हैं या तो ग्रीस कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए रखिए बस इसे ढककर। बस देखिए दोस्तों 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं अपने आटे को, हल्का सा हाथ को ग्रीस करके इसको हल्का सा और मसल लेंगे और चलिए बनाने चलेंगे। बस अब यदि दोस्तों आप सोडे का और बेकिंग पाउडर का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 1-2 घंटा पहले आटा लगाना पड़ता है। इनो का यूज करते हैं तो आप फटाफट तैयार हो जाता है। बस थोड़ा सा हमें सूखा मैदा चाहिएगा डस्टिंग के लिए, जब हम इसको बेल कर तैयार करेंगे उसको भी ले लेते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, उससे कोई पैसे नहीं लगते हैं। और घंटी को बजाना भी बिल्कुल मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये यहाँ पर मैंने सूखा वाला मैदा ले लिया, चलिए बनाने चलें। देखिए इस तरह से बस चकला तैयार कर लें और लोई ले लेते हैं, एक थोड़ा फुलके से बढ़ा लेंगे हम इस तरह से। और बस इसको सूखा आटा लगाते हुए आटे का यूज ना करें दोस्तों, हाँ मैदा का यूज करें इस समय पे। बस अच्छे से रोल करेंगे इसे और इस तरह से बस इसके ऊपर रख के बेलन से रोल करेंगे हम। बस देखिए इस तरह से सूखा मैदा लगाते हुए इसको रोल करेंगे और थोड़ा सा फुलके से मोटा रखा जाता है इसको। और दोस्तों इसको ओवल शेप में बेलते हैं, चाहे तो आप गोल भी बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है टेस्ट में। बस दिखने में थोड़ी अच्छी लगती है जो हम ओवल शेप में तैयार करते हैं। ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलौंजी का यूज कर रही हूँ दोस्तों, आप सफ़ेद तिल का यूज कर सकते हैं और बारीक काट कर हरे धनिया की पत्तियाँ भी लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। अभी मेरे पास हरा धनिया नहीं है, नहीं तो उसको लगाने से क्या और ज़्यादा सुंदर दिखती है ये, उसको भी लगा लेते हैं इसके साथ। और गार्लिक बटर भी, आप सब तरह की बटर नान इसी तरह से बना सकते हैं जैसे मैं बता रही हूँ।
बस एक इस तरह से सूती कपड़ा लीजिए 3-4 तय करके, और कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए दोस्तों। इसके ऊपर बस इसको इस तरह से उठाएंगे जिधर की तरफ हमने ये लगाया कलौंजी, और इसके ऊपर अब पानी अप्लाई करेंगे अच्छे से, ताकि तवे के ऊपर अच्छे से चिपक जाए, और तवा गर्म कर लेंगे। बस देखिए दोस्तों, पानी अच्छे से लगना चाहिए, हर कोने पर लगना चाहिए, नहीं तो फिर ये छूट जाएगी, तवे पर नहीं लगेगी, और तवा बिल्कुल भी पहले हमारा चिकना नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए, और नॉन स्टिक तवे का यूज ना करें। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती है बस इसको बनाने में, और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप मुझसे भी अच्छा बनाएंगे, बनाकर एक बार जरूर से देखिए। देखिए दोस्तों, हमारा तवा भी गर्म है, बस इसके ऊपर डाल देते हैं और अच्छे से चिपका देंगे इसको इस तरह से, थोड़ा सा हल्का सा दबाव देते हुए। बस देखिए इस तरह से, एक तरफ से ऐसे सीख जाएगी और एक तरफ से उल्ट कर सीख देंगे, बहुत बढ़िया बनकर तैयार होगी इस तरह से। देखिए देखिए दोस्तों, मैं आपको नीचे से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, एक बार उतना कैमरे की सुविधा नहीं हो पाती है, इस तरह से सेक ले, थोड़ा दूर की आँख से सेकें और घुमाते रहें तवे को इधर उधर, ताकि एक जगह से ना जले, कितने अच्छे से फूल करा रही है, बस इसी तरह से बनाएं। बस अभी हमने अपने तवे को सीधा कर लिया है इस तरह से, और इसको इस तरह से पलटने से हटाएं, क्योंकि थोड़ा तो चिपकी रहती है, नहीं तो फिर आधी इसी पर रह जाएगी, आराम से निकल जाती है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। देखिए निकल कर आ गई हमारी ये रोटी। अब इसके ऊपर आप चाहें तो घी लगा सकते हैं, बटर लगा सकते हैं, या ऐसे भी इसका मजा ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम सुपर सॉफ्ट बनती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बना कर देखिए जरूर से एक बार। अब मैं इसके ऊपर बटर लगा रही हूँ दोस्तों, आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स वगैरह डाल सकते हैं, और भी अच्छा लगता है इस तरह से बटर में, थोड़ा सा मेल्ट करके बस मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। इसी तरह से हम अपनी बाकी की रोटियाँ भी बना लेंगे, और चलिए बस सर्व करेंगे। एक और मैं आपको रोल कर दिखाऊँगी। बस देखिए दोस्तों, मैंने निकाल ली है प्लेट पर, कितनी बढ़िया दिख रही है ना, एकदम रेस्टोरेंट जैसी, और एकदम सॉफ्ट, पीछे से भी एकदम बढ़िया सीख कर तैयार हुई है। बस इसको साइड पर रख लिया, अभी दूसरी भी तैयार कर लेंगे, और तब अगर आपका थोड़ा चिपचिपा हो गया तो पलटने वगैरह से साफ कर लें। बस बिल्कुल सेम उसी तरह से बेल लिया इसको भी मैंने, इसके ऊपर मैं तिल लगाऊंगी थोड़े से, चाहे तो आप तिल थोड़ा सा पहले भी रख सकते हैं, और जो मैंने वो रखा था बेलने से हल्का सा, चाहे तो बाद में, आराम से चिपक जाते हैं बस इसी तरह से बेलन से। अब इसको भी हम इसी तरह से सेम कपड़े के ऊपर ले लेंगे और पानी लगाएंगे अच्छे से, सेम उसी तरह चिपकाएंगे आगे का, तो वैसे ही एकदम। बस दोस्तों पानी लगा लेते हैं, मेरी मानिए तो दोस्तों हाथ से ही पानी लगाइए, इससे क्या है एकदम हमें पता भी चल पाता है कि हर कोने पर पानी लग गया, अच्छे से पानी जरूर लगाएं। बस सेम उसी तरह से डाल देते हैं इस पर तवे पर, और हाँ ध्यान रखें दोस्तों आपके इसमें जो आपने कपड़ा वगैरह यूज किया है नीचे से आग ना लग जाए, और तवा परफेक्ट गर्म होना चाहिए। बस इसको भी सेक लेंगे ऐसे ही। बस दोस्तों हमारी 2-3 बटर नान बनकर तैयार हो गई है, चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, आज ही सूट की मैंने ये वीडियो आपके साथ आज ही शेयर कर रही हूँ, दोपहर में बनाई मैंने ये कढ़ाई पनीर के साथ, आप कब बना रहे हैं जरूर बताइए कमेंट करके। बस इस पर भी इस तरह से ही बटर लगाएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने फटाफट से 3 बनाकर तैयार कर लिए, चलिए पहले सर्व करते हैं गर्मा गर्म। तो दोस्तों ये थी बटर नान की रेसिपी, जरूर से बनाइए घर पर, एकदम आसान है बनाना, बस देखने में लगता है कि कितना मुश्किल होता होगा, बल्कि रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी बनती है। यहाँ पर मेरा बनाया हुआ कढ़ाई पनीर इसके साथ सर्व कर रही हूँ मैं अपने बच्चों को, आप बताइए किसके साथ बनाएंगे जरूर से कमेंट करके, और बनाइए जल्दी से ही। मिलेंगे एक और अच्छे से वीडियो के साथ, थैंक यू।